कश्मीर से 370 हटने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज उठाने से पीछे नहीं हट रहा। अभी हाल में केंद्र शासित राज्य बने लद्दाख से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाक को एक बार फिर ललकारते हुए दो टुक में कहा कि मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर कब उनका था जो इसे लेकर रो रहे हैं। कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। आप पहले टेररिज्म अपने यहाँ रोको। आप हमारे पड़ोसी हो, हम लोग भी चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, बेहतर हों। हम तो कहते हैं कहीं कोई समस्या होगी तो मिल बैठ कर सुलझा लेंगे, लेकिन आतंकवाद को भी चलाते रहो, आतंकवाद को भी शह देते रहो, प्रश्रय देते रहो, समर्थन देते रहो, भारत को डिस्टेबिलाइज करने की बराबर कोशिश करते रहोगे तो बातचीत कैसे होगी। 370 हटाने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार लद्दाख पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने किसान जवान विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। मेले में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगाने के लिए उचित फसलों और अनाजों का प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के विकसित कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए किया गया। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से ये किसी केंद्र सरकार के मंत्री का इलाके का पहला दौरा है। ब्यूरो रिपोर्ट R19।